रोहित जी आप तो सीनियर मोस्ट है इस दुनिया में। कितने साल हो गए रोहित जी खेलते खेलते? 1997 से सात ओलंपिक्स खेल चुका हूं मैं। जब सामने वाले खिलाड़ियों से खेलते हैं आप, काफी तो पुराने आपके खिलाड़ी सामने आते होंगे, क्या अनुभव आता है? सर जब मैं पहले खेलता था 1997 से, तो मेरे हियरिंग लोगों के साथ मेरा कंपटीशन होता था और मैंने बढ़ने की कोशिश की। मैंने ओलंपिक्स खेले, कॉम्पिटिशन्स जैसे बिल्कुल हियरिंग लोगों के साथ जैसा कंपटीशन होता है मैंने भी उसमें आगे बढ़ने की कोशिश की और अब तक मैं लगभग हियरिंग कंपटीटर्स के साथ खेल सकता हूँ। अच्छा रोहित, खुद के विषय में बताइए, इस क्षेत्र में कैसे आए, शुरुआत में प्रेरणा कितने दी, और इतने लंबे समय से जी जान से खेलते रहना, कभी थकना नहीं? सर जब मैं बहुत छोटा था तो जब मैं मेरे ख्याल से मुझे याद भी नहीं है कि मैं जब देखता था, मैं बस ऐसे ही माता पिता के साथ चलता था, मैं देखता था, चीज़ें देख के खुश रहता था कि कैसे हियरिंग लोग खेलते हैं, मैं भी चाहता था कि मैं भी खेलूं। मैंने भी वहीं से अपना एम तय किया और फिर आगे बढ़ता चला गया। ठीक, जब मैं 1997 में मैंने खेलना शुरू किया तो पहले बधिर लोग खेलते नहीं थे, मुझे किसी तरीके का सपोर्ट नहीं मिलता था, बस सांत्वना दी जाती थी। मेरे पिताजी इसमें बहुत सहयोग करते थे, खाना पीना, जूस, जो भी डाइट चाहिए होती थी उसका बहुत ध्यान दिया करते थे। भगवान की बहुत कृपा रही है तो मुझे भी बैडमिंटन से इसीलिए बहुत प्रिय है। अच्छा रोहित, आप डबल्स में जब खेलते हैं तो आपका पार्टनर, मैंने सुना है महेश, आपसे उम्र में बहुत छोटा है, इतना अंतर है, आप इतने सीनियर हैं तो महेश बहुत छोटा है, क्या आप कैसे उसको संभालते हैं, कैसे गाइड करते हैं, उसके साथ कैसे मैच करते हैं अपने आप को? महेश बहुत छोटा है, 2014 में मेरे साथ खेलना शुरू किया, मेरे घर के पास रहता था, मैंने उसे काफ़ी कुछ सिखाया, कैसे मूवमेंट करनी चाहिए, कैसे हार्डवर्क करना है, डेफलिम्पिक्स के लिए कैसे तैयार होना है। तो वो थोड़ा सा रहता है डिसबैलेंस, लेकिन मैं उसको जो भी मैंने सिखाया वो मुझे बहुत सपोर्ट करता है। रोहित जी हम भी आपके साथ कर देंगे। रोहित जी, आपका जीवन एक खिलाड़ी के तौर पर और एक व्यक्ति के तौर पर, मैं समझता हूं आप में लीडरशिप क्वालिटी है, आप में कॉन्फिडेंस लेवल है और आप किसी चीज से ऊब नहीं जाते हैं, लगातार उसमें चेतना भरते रहते हैं। मैं पक्का मानता हूं कि देश के युवा, उनके लिए आप वाकई बहुत ही प्रेरक रहे हैं। आपने अपने जीवन की बाधाओं से कभी हार नहीं मानी। ठीक है, परमात्मा ने कुछ कमी दी, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी। आप पिछले 27 साल से देश के लिए पदक जीत रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि आप अभी भी संतुष्ट नहीं है, कुछ न कुछ करने का जज्बा है जी। और मैं देख रहा हूं कि उम्र बढ़ती है लेकिन साथ साथ आपका प्रदर्शन भी बहुत बेहतर होता जा रहा है। आप अपने टारगेट नए तय करते जाते हो, नए टारगेट को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूं कि खिलाड़ी के जीवन में यही एक गुण बहुत बड़ी ताकत होता है, वो कभी संतोष नहीं मानता है, खुद नए गोल सेट करता है, उस सेट के लिए खुद को खपा देता है और उसी का परिणाम है कि कुछ न कुछ प्राप्त करता रहता है। मेरी तरफ से, पूरे देश की तरफ से रोहित को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपको अभिनंदन करता हूं सर। श्री वीरेंद्र सिंह, रेसलिंग। जी वीरेंद्र, कैसे हो जी? बिल्कुल मैं ठीक हूं। आप ठीक हैं जी? जी बताइए, अपने विषय में थोड़ा बताइए, देशवासी देखना चाहते हैं आपको। मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी पहलवान थे, मैंने उन्हीं को देखकर पहलवानी सीखी और वो गुण मुझ में आया और मैंने ये निरंतर प्रयास किया कि मैं बढ़ता रहूं। बचपन से ही मैंने अपने, मेरे मम्मी पापा मुझे सपोर्ट करते थे, मेरे पिताजी ने सपोर्ट किया और मैं वो पहलवानी सीखता चला गया और आज इस स्तर पे पहुंचा हूँ। लेकिन पिताजी को और चाचा को संतोष है? नहीं, वो चाहते हैं कि मैं और करूं, और खेलूं, और बढ़ता रहूं, और तरक्की करता रहूं। कि जैसे जैसे देखता हूं कि जो हियरिंग समाज के लोग हैं वो आगे निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि वो लोग जीतते जा रहे हैं। मैं भी हियरिंग लोगों के साथ खेलता हूं, मैंने भी उन्हें मात दी है और मैं सिलेक्शन में आया हूं, पर मैं सुन नहीं पाता था, इस वजह से मुझे निकाल दिया गया और मैं नहीं जा पाया और मैं उसके लिए बहुत पछताया, रोया भी। पर फिर मैंने बधे समाज में जब मैंने अंदर आया, मैं आया तो मेरी रोंगटे खड़े हो गए और मैं खुशी से मारे फूला नहीं समाया कि मैं जीत गया। जब मैं मेडल पहली बार जीता, ऐसे ही मुझे लगता था कि चलो छोड़ो, अब मैं क्यों हियरिंग समाज के पीछे जाऊं, अब मैं बधे समाज में ही एक नाम कमा सकता हूं और मैं उसको निरंतर आगे बढ़ सकता हूँ। मैंने कई मेडल जीते 2005 में, उसके बाद 2007 में, उसके बाद मैंने फर्स्ट ओलंपिक जब जीता था। अच्छा वीरेंद्र बताओ, जीता था। अच्छा 2005 से लेकर अब तक के हर डेफलम्पिक्स में आप पदक जीत करके ही आए हैं, ये निरंतरता आप कहां से लाते हैं, इसके पीछे क्या प्रेरणा है आपकी? मैं डाइट पे इतना ध्यान नहीं देता हूँ जितना मैं प्रैक्टिस पे ध्यान देता हूँ। मैं लगातार हियरिंग लोगों के साथ प्रैक्टिस करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, वो मेहनत जाया नहीं जाती है। मैं बिल्कुल देखता हूँ कि वो कैसे खेल रहे हैं और उसको निरंतर बढ़ता रहता हूँ। सुबह शाम मैं लगातार प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान देता हूँ। मेरा एम रहता है कि मैं बाहर कहीं जाऊँगा खेलने तो मैं अपने माँ बाप के चरण स्पर्श करके निकलता हूँ अपने देश को छोड़ के, और मैं उनको याद करके ही खेलता हूँ और मैं खुश रहता हूँ कि मैं विजयी होकर आया हूँ, ये मेरे मन में मेरी आशा रहती है। अच्छा वीरेंद्र, दुनिया में वो कौन खिलाड़ी है जिसके साथ खेलने में के समय तुम्हें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, तुम्हें उनका खेल देखने का मन करता है, वो कौन है? जितने भी रेसलर्स होते हैं मैं उनको देखता हूँ कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, मैं वो देख के सीखता हूँ कि वो कैसे दाव खेलते हैं, वो मैं उन्हीं को देख के खेलता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मुझे उस पर ध्यान रखना है। कि मैं भी घर पे उस पर निरंतर सोचता भी रहता हूँ कि उस खिलाड़ी ने कैसा खेला था तो मेरे को भी उससे अच्छा और उससे बराबर की टक्कर देके खेलना है। मुझे उससे बिल्कुल घबराना नहीं है, एकदम सामने की कराके की टक्कर देनी है और जीतना है उस दाव पेच के साथ। वीरेंद्र, अच्छी बात है कि आप खेल की दुनिया में उस्ताद भी हैं, साथ साथ विद्यार्थी भी हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपकी जो इच्छा शक्ति है वो सचमुच में हर किसी को प्रेरित करती है जी। इसके साथ ही मेरा मानना है कि आपसे देश के खिलाड़ी और युवा दोनों जो सीख सकते हैं और वो है आपकी निरंतरता। एक बार शिखर पर पहुंचना कठिन है, पर उससे भी कठिन इस बात पर है कि जहां पहुंचे हैं वहां टिके रहना और फिर भी ऊपर जाने की कोशिश करते रहना। आपने शिखर पर पहुंचने के लिए तपस्या की, आपके चाचा ने, आपके पिताजी ने लगातार आपको मार्गदर्शन किया, आपकी मदद की, पहुंचने एक बात है, पहुंचने के बाद टिके रहना, ये मैं समझता हूं आपकी गजब की ताकत है। और इसलिए खिलाड़ी जगत इस बात को समझेगा, आपसे सीखेगा। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। धनुष, नाम तो धनुष है और शूटिंग करता है? जी सर, जी जी बिल्कुल, मैं शूटिंग करता हूं। बताइए धनुष, अपने विषय में बताइए। जी, मैं निरंतर शूटिंग में प्रैक्टिस करता रहा। मेरी फैमिली का सपोर्ट मुझे बहुत रहा कि मुझे स्टेज वाइज वो कि मुझे हमेशा बताते रहे कि मुझे जीतना ही है, फर्स्ट ही आना है। मैं 4 बार विदेश जा चुका हूँ जीतने के लिए और मेरा ये हमेशा निश्चय रहता है कि मैंने तय किया होता है कि मुझे फर्स्ट ही मेडल लाना है, मुझे गोल्ड ही जीतना है। धनुष जी, आप और विद्यार्थी जो चाहते हैं इस खेल में आगे बढ़ना, आप उनकी क्या मदद कर सकते हैं? मैं स्पोर्ट्स के लिए बच्चों को बताऊंगा कि हाँ, हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, हमें प्रयास करते रहना चाहिए, लगातार प्रैक्टिस आपको आगे बढ़ाएगी, आपको लगातार रनिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, फिट रहना चाहिए। बस सर, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। योगा करते हो? जी, मैं करता आ रहा हूँ काफी टाइम से योगा। और मेडिटेशन करते हो? हाँ, करता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, कभी कभार करता हूँ, ध्यान रखता हूँ। पता है ये शूटिंग में मेडिटेशन, ध्यान, ये बहुत काम आता है, है? जी बिल्कुल, केंद्रित करना पड़ता है जी। बिल्कुल बिल्कुल, होल्ड करके एकदम केंद्र लगाकर, एकदम निशाने पे एकदम ध्यान रखकर करना पड़ता है। अच्छा धनुष, बताइए, छोटी उम्र से तुमने इतनी सारी सिद्धियां प्राप्त की है, दुनिया में जाकर के आए हो, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रेरणा क्या है? कौन तुम्हें प्रेरित करता है? मुझे सबसे ज़्यादा, मैं अपनी माँ से बहुत मेरा लगाव है, वो उनके साथ मुझे बहुत खुशी मिलती है। मेरे पापा भी मुझे सपोर्ट करते हैं और प्यार करते हैं, लेकिन पहले 2017 में जी मैं जब थोड़ा परेशान रहता था, उदास रहता था, तो मम्मी का सपोर्ट बहुत रहता था। और फिर निरंतर प्रयास करते करते जब मैं जीतने लगा तो मुझे खुशी मिलने लगी, और वही मेरी प्रेरणा का स्रोत बनता चला गया। धनुष, सबसे पहले तो आपकी माताजी और आपके परिवार को प्रणाम करता हूँ, और विशेष करके आपकी माताजी को। जैसा आपने वर्णन किया कि वो कैसे आपको संभालती थी, कैसे आपको प्रोत्साहित करती थी, कैसे आपको लड़ाई जीतने में मदद करती थी, और हर चुनौती के सामने खड़े रहने के लिए आपको तैयार करती थी। तो मैं सचमुच में, आप बड़े भाग्यवान हैं। और आपने बताया कि आपने खेलो इंडिया में भी कुछ नया सीखने का प्रयास किया, नई चीज़ों को जानने का प्रयास किया, और खेलो इंडिया ने आज देश को बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी दिए हैं, कई खेल प्रतिभाओं को आगे लाने में भी मदद मिली है। आपने अपने सामर्थ्य को पहचाना, लेकिन मेरा विश्वास है कि आपका सामर्थ्य धनुष इससे भी ज़्यादा है, और आप इससे भी ज़्यादा पराक्रम करके दिखाओगे, ये मुझे विश्वास है। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुश्री प्रियेशा देशमुख, शूटिंग। अच्छा प्रियेशा, आप पुणे से हैं? एक्चुअली मैं महाराष्ट्र पुणे में प्रैक्टिस करती हूँ। मेरा नाम प्रियेशा शरद साव देशमुख है। वो मैं 8 साल में प्रैक्टिस कर रही हूँ शूटिंग में। उसके पहले मैंने चेटिंग, बैडमिंटन सब कुछ खेला, लेकिन तो मैं हार गई। तो मैंने सोचा शूटिंग अच्छा है, तो मैं शूटिंग में 2014 में ज्वाइन हुई। उसके बाद में तो 2014 टू 15 में नेशनल कैम्प था, वहाँ में लैट में 7 गोल्ड मेडल डेफ कैटेगरी में और ओपन कैटेगरी में सिल्वर मेडल मिला है। और पहली बार मुझे लगा कि फर्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप में रशिया में कजान में वर्ल्ड चैम्पियनशिप था, तो मैं पहली बार इंटरनेशनल खेला, बाकी कोई नहीं आई। तो मुझे थोड़ा सा दर्द लग रहा था और परेशान भी लग रहा, लेकिन दादी जी आशीर्वाद से और मेरे पापा ने मुझे समझाया कि जो कुछ भी हो, आप पहली बार जाए हो तो जाओ, खेलो, जो मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन आप परफॉर्मेंस करके दिखाओ। परंतु मुझे पता नहीं क्या मिला, लेकिन तो लास्ट टाइम में मेरा क्वालिफिकेशन हुआ तो फाइनल हुआ। बाद में तो फाइनल होते तो मेरा ब्रॉन्ज मेडल मिला। अच्छा, 2017 में आप 6ठे स्थान पर आई थी, इस बार स्वर्ण लेकर आई है। ये कुछ छोटी सिद्धि नहीं है, तो तुम्हें अभी भी संतोष नहीं है? अभी भी अपने आप को शिकायत करती रहती हो? नहीं, वही थी, अब मेरे तो कॉन्फिडेंस थी, हम खुद में खुद भी कर रही हूँ। दादी और पापा के आशीर्वाद और मेरा गुरु है अंजलि भागवत के, उसके कोच वजह मैंने सिखाया है, जो करने करो, लेकिन पॉजिटिव सोचो तो कर लिए। तो मेरा वर्ड रैंक 6 और अभी सेकंड ओलंपिक में ब्राज़ील में हुआ तो धनुष के साथ मिश्ती में मुझे गोल्ड मेडल मिला। तो ब्राज़ील ओलंपिक होने से पहले दुनिया में नहीं है अभी। उसने मुझे मेरा प्रॉमिस दिया था कि आप पदक जीतने अवश्य आएंगे, लेकिन दादी ने मुझे वादा दिया कि अब मेडल अवश्य मिलेगा। लेकिन अचानक उसकी मौत होने के बाद तो मैंने उसका स्वप्न मैंने पूरा कर दिया। तो मेरे तो अच्छा लग रहा है और मेरा कोई कुछ नहीं। देखिए प्रियशा, सबसे पहले तो मैं अंजलि भागवत जी को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने तुम्हारे लिए अपना इतना जी जान से मेहनत की। थैंक यू सर। तो मैं सचमुच में बताता हूँ कि एक तो तुम्हारे माता पिता का, लेकिन कोच भी अगर जी जान से तुम्हारे लिए काम करता है तो उसके कारण बहुत बड़ा बदलाव मैं देख रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, आप हो तो पुणे से हैं और पुणे के लोग तो बहुत शुद्ध मराठी बोलते हैं। हाँ पता है, मैं मराठी बोलती हूँ। तो आप इतनी बढ़िया हिंदी कैसे बोलती हो? मैं मराठी हिंदी सब बोलती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है मराठी में तो मुझे मेरी लैंग्वेज होती है। मैंने सोचा कि दुनिया में एक लैंग्वेज नहीं बात करना, सब लैंग्वेज बात करते हैं, लेकिन मैं पर बात करते मराठी में। मुझे ये भी बताया गया आपकी दादी ने हमेशा आपको प्रोत्साहित किया, कभी निराश नहीं होने दिया, कभी आपको उदास नहीं होने दिया। अनेक चुनौतियों का पार कर पाई है और जैसा मुझे बताया गया है कि आपने नए नए तरीके से इसको सीखने का प्रयास किया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबको प्रेरणा देती रहेगी। थैंक यू। जाफरीन शेख टेनिस। हाँ जाफरीन नमस्ते। नमस्ते। हाँ आई एम जाफरीन शेख टेनिस प्लेयर। I am happy bronze medal in Deaflympics 2021। मुझे मेरे पापा बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत मेहनत करते हैं। मैं 70 ईयर्स खेले, मेरा मेडल बहुत मेडल लिखा, इंडिया मेडल लिखा, बहुत मेडल लिखा। तो नच्चा मुझे बहुत मेहनत करते, हमें बहुत करते, कॉम्प्रेट करते, नच्चा मुझे बहुत हार बात करते। इंडिया 5 फर्नीचर आगे जा रहे हैं, हमें नहीं चलते आगे जाती मैं। और 50 काम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नानंदा मोदी 94 बिलकाम। आई एम वेरी हैप्पी वी ऑल हैप्पी बच्चा। अच्छा जाफरीन, आप और पृथ्वी शेखर आपकी जोड़ी ने बड़ी कमाल कर दिया। आप दोनों एक दूसरे को कोर्ट में मदद कैसे करते हैं, एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं? हम दोनों चपेट खाते हैं, हम दोनों होते चाहते, हम दोनों पाइप खड़े हैं, हमारा पाइप खड़े, हमारा इंडिया में आगे जा रहे हैं। हम दोनों नाचनती, हमें होती चढ़ा आती है ना, हमें ब्रॉन्ज मेडल लाया था। देखिए टेनिस में मैं तो कोई खिलाड़ी नहीं रहा हूँ, मुझे वो नसीब नहीं हुआ है, लेकिन कहते हैं कि टेनिस एक ऐसा खेल है जिसमें टेक्निक पर बड़ा बल रहता है और टेक्निक की तरफ काफ़ी फोकस रहता है। आपने इस खेल को ना सिर्फ अपनाया लेकिन कई बार आपने देश का नाम ऊंचा किया। इस चीज़ों को आत्मसात करने में आपको मेहनत कितनी पड़ती थी? मुझे बहुत मेहनत है, हमेशा बहुत मेहनत है, हमेशा हार नहीं सकते, हमें नहीं जानते, हमें अभी खेलते हैं, बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत खेलते। अच्छा आप एक प्रकार से देश की बेटियों का, उनके सामर्थ्य का एक प्रकार से पर्याय तो है ही है, साथ ही आप छोटी छोटी बच्चियों के लिए भी एक प्रेरणा है। आपने साबित कर दिया है कि भारत की बेटी अगर कुछ ठान ले तो कोई भी बाधा उसको रोक नहीं सकती है। मेरी तरफ से जाफरीन को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके पिताजी को विशेष रूप से अभिनंदन कि उन्होंने आपके पीछे इतनी मेहनत की और आपको यहाँ तक पहुँचाया। और आने वाले चपट खोलो मैं करूँगा, मैं करूँगा। आपकी ये ऊर्जा, मैं कह सकता हूँ कि जो मुकाम आप लोगों ने हासिल किया, आपका जज्बा, इससे बहुत आगे जाने का है। ये जज्बा बनाकर रखिएगा, ये जोश बनाकर रखिएगा, इसी जोश से देश की जीत के नए रास्ते खुलेंगे, भारत के उज्जवल भविष्य का निर्माण होगा। और मैं मानता हूं हमारे जनरल खेल की जगत में कोई व्यक्ति नाम लेते के आता है तो वहाँ के स्पोर्ट्स कल्चर की, स्पोर्ट्स एबिलिटी की बात होती है, लेकिन कोई दिव्यांग, कोई शारीरिक रूप से मजबूरी में जिंदगी गुजारने वाला व्यक्ति, वो जब दुनिया के अंदर नाम रोशन करता है तो वो सिर्फ खिलाड़ी जीत करके नहीं आता है, वो सिर्फ खेल का खेल नहीं रहता है, वो उस देश की छवि को भी लेके जाता है कि हाँ ये देश ऐसा है कि जहाँ दिव्यांग जनों के प्रति भी यही संवेदना है, यही भाव है और यही सामर्थ्य की पूजा वो देश करता है। ये बहुत बड़ी ताकत होती है और इसके कारण दुनिया में आप जहाँ भी गए होंगे, दुनिया में जब भी आपके इस सिद्धि को किसी ने देखा होगा तो आपको देखता होगा, आपके खेल को देखता होगा, आपके मेडल को देखता होगा, लेकिन बैक ऑफ द माइंड सोचता होगा अच्छा हिंदुस्तान में ये वातावरण है, हर एक को समानता है, हर एक को अवसर है, और उससे देश की छवि बनती है। यानी सामान्य खिलाड़ी देश की छवि बनाता है, उससे अनेक गुना ज्यादा अच्छी छवि देश की बनाने का काम आपके द्वारा होता है, आपके प्रयत्नों के द्वारा होता है। यानी ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप सभी को एक बार फिर इस शानदार जीत के लिए और देश का नाम रोशन करने के लिए, देश का नाम ऊंचा करने के लिए, भारत का तिरंगा झंडा फहराने के लिए, और वो भी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं उस समय देश के तिरंगे को फहराने के लिए आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आपके इस पुरुषार्थ में आपके परिवारजनों का, आपके माता पिता का, आपका कोचिज का, आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट होगा, उन सबका बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसलिए उन सबको भी मैं बधाई देता हूं। जिन भी खिलाड़ियों ने इस वैश्विक प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया, उन्होंने पूरे देश के सामने हौसले का एक अभूतपूर्व उदाहरण प्रस्तुत किया है। कुछ लोग होंगे जो मेडल तक शायद नहीं पहुंच पाए होंगे, लेकिन ये मान के चलिए कि उस मेडल ने आपको देख लिया है, अब वो मेडल आपका इंतजार कर रहा है, वो मेडल आपका इंतजार कर रहा है। आप ये मत सोचिए कि अब आप पीछे हैं, आप जरूर सिद्धि प्राप्त करेंगे, आप विजयी होकर के आएंगे और जो विजयी हुए हैं वे भी अब तो आपकी प्रेरणा का कारण बनेंगे और इस खेल के अंदर आज तक के सारे रिकॉर्ड आप तोड़ के आए हैं, हिंदुस्तान के सारे रिकॉर्ड तोड़ करके आप आए हैं। इसलिए इस टीम का हृदय से मैं गर्व करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आजादी का अमृत महोत्सव उसमें भी आप प्रेरणा बनेंगे, देश के तिरंगे को आगे लहराने में हर नौजवान के लिए आप प्रेरणा बनेंगे। इसी अपेक्षा के साथ मैं सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत आगे बढ़ने के लिए निमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।